गाइज, वेलकम टू माई चैनल। सो दिस इज़ नेक्स्ट डे इन मॉन्ट्रे बे। कल तो हम कहीं नहीं गए, आज हम जाने वाले हैं एक्वेरियम, मॉन्ट्रे बे एक्वेरियम। एंड अभी मॉर्निंग का टाइम है, इट्स 8:51 एंड अभी मैं बना रही हूँ अपना क्विकली ब्रेकफास्ट। 9:30 निकलना है, फिर रेडी होना है। ये अपनी ड्राइंग कर रही है, मैंने अपने सिंपल से दो एग्स बनाए हैं और मैं ये बना रही हूँ, ब्रेड को जस्ट क्रिस्प कर रही हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे ये मेरी कॉफ़ी है, बस इसको थोड़ा सा ये इसी से हो जाएगी। पापा एंड चीनू वो लोग बाहर गए हैं फॉर वॉक, मम्मी भी रेडी हो रही है। वो लोग शायद वो रहे दूर, पता नहीं यहाँ से दिख रहे हैं या नहीं, वो रहे। अभी पूरा सामान फैला हुआ है, बाकी सब नहा धो के ब्रेकफास्ट कर चुके, बस मैं रह गई हूँ और मुझे रेडी होना है। नानू को सुन नहीं रहा होगा, आप जाना मत अकेले। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कीड़े होते हैं। नहीं, बेबी यहीं से कर लो और उन्हें यहाँ से भी आवाज़ नहीं जाएगी। ब्रेकफास्ट विद अ व्यू, पूरा दूर ओशन। तो आपको कैसा लगा बाहर पापुरी? तो कल गए थे वो ये सेम, इस टाइम तो मौसम कैसा है? मौसम में ठंड तो लग रही है, थोड़ा धूप निकली है तो नॉर्मल से नहीं। कोई निकल के आया उधर से, वो जा रहे मम्मी पापा एंड चीनू। मम्मी पहली बार जा रही है, मैं तो कल देखा ही थी। बहनों की विश आई है, इसने पहले बोला मुझे अच्छा सा बैग चाहिए, मैंने कहा बताते नहीं है, अब दोबारा मांग रही है। अब मांग भी ले क्या, पूरा ऐसा ऐसे पड़ रही है क्या? मेरे ख्याल से तेरे नाक की हवा से ही उड़ गई वो। क्या कहा है, विश है दिखी? उड़ गई, मांग ली थी ना, अब बताइयो मत किसी को। मैंने सुना। सुनो फिर पूरी नहीं होती, होती। फिर पूरी नहीं होगी विश। मैंने सुनो, इससे नहीं हजम होती कोई बात। मैं भी ऐसी बाल बना लूं। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अरे दो भी पहुंच गए, पहुंच गए हम, पहुंच गए 6 मिनट में जा रहे हैं अभी तो। 6 मिनट में पहुंच गए और तू इतनी जल्दी कर रहा था सुबह। 10 बजे का टाइम था हमारा पहुंचने का, 10 से 5 का टाइम है। मम्मा अभी वहाँ भी तो जा रहे हैं, तो पता है मुझे है। अच्छा ना हम टाइम से पहुंच गए। हाँ बोल। चोटी बना दो। अब सिंड्रेला कैसे बनाती है यार? कहाँ पे बताती हूँ, राइट में सिंड्रेला ना जहाँ में आना था ऐसी वाली बनाती है। अच्छा कहाँ पे है? अच्छा बनाती हूँ। तो हम पहुँचे तो हैं मॉन्ट्रे बे एक्वेरियम के पास है हम, एंड अभी बस जा रहे हैं, अभी जस्ट कार पार्क करी है जहाँ पे हमें पार्किंग मिली है। एंड दिस इज़ मी, और अभी यहाँ पे मार्केट एरिया है पूरा, बाद में हम शॉप्स पे आएंगे। ये पॉकेट में हाथ कैसे डालोगे? अगेन She is not wearing her jacket at all. वो जगह कितनी सुंदर लग रही है, amazing. So finally, this is the Mountain Bay Aquarium. We are supposed to go here. वहाँ से है entry, I think, उधर से. So we are entering from here. This is the entrance. Ticket ले ली है already.
चीनू को वहाँ पे बैग कैरी कर रहे हैं तो चेकिंग करानी है। हम लोग यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये हमें मिला है एक्वेरियम का, ये पूरा कि कहाँ पे क्या है, कितने बजे कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। और ये मैप है, मेरे ख्याल से एक्वेरियम स्टोर है यहाँ पे। ओके, तो अब स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट। चलो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, ओशन्स एज से स्टार्ट करते हैं। ओशन्स एज सबसे पहले। ये स्ट्रोलर पार्किंग एरिया है, बताओ। यहाँ स्ट्रोलर्स की भी पार्किंग है। ओशन्स एज, वो देखो वहाँ पे कितनी सारी फिशेस है। माय गॉड, इतनी सारी फिशेस, अमेजिंग। ऑक्टोपस, ये एक्साइटेड हो रही है। ये स्कूल में ऑक्टोपस बनी थी, अपने एक प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पे। दिस इज सच अ ह्यूज फिश, वाओ। हाँ बेबी, मेनू देखो कितनी बड़ी है ये। अभी हटना, मेनू बाहर आ जाएगी। वो देख बाहर आ जाएगी। कह रही है मेरा मन कर रहा है इसको पका के खा लूं। ये देखो यहाँ पे भी कुछ है। वो यहाँ पे और फिशेज आ गई। ये दोनों तो मूव ही नहीं कर रही, तो ऐसी बैठी हुई है यहाँ पे। ये फोन में ना लाइट में क्लियर नहीं आ रहा जितना रियल में दिख रहा है अभी। ये भी कितनी ह्यूज है। और एक वो ऊपर टहर रही। हाँ बहनू, ऐसा लग रहा है ये रियल है ही नहीं, पर ये रियल है। खतरनाक। ऊपर वो राउंड राउंड लगा रही है वो ऊपर। वाओ, और एक ये री। मम्मी लाइट मत मारो। यहाँ पे भी काफी सारी फिशेज हैं। बोरी उधर बेनाइशा। ये देखो यहाँ पे एक ऐसी कलरफुल सी फिश गई अभी, ये वाली। वो कितनी बड़ी है, ऐसा ही होता है समुद्र में। वो एक ऑरेंज कलर की फिश। उधर कितनी सारी, ये कितनी बड़ी है। कितनी डिफरेंट टाइप के फिशेज हैं यहाँ पे, अमेजिंग। ओ कितनी कलरफुल सी है ये प्लांट। कुछ है अंदर। क्या है इसके अंदर? हाँ, इनके अंदर से निकलेगा कुछ। ये ब्लू लाइट ना फोन में थोड़ा क्लियर नहीं आ रही। ये अब हम और आगे जा रहे हैं। यहाँ पे क्या है? अरे यहाँ भी कुछ है। यहाँ पे देखो, ये देखो ये कितनी बड़ी फिश गई है। ओ ये वाली ये देखो बेनाइशा। फिर मजा आ रहा है।
मेनू मजा आ रहा है आपको? हाँ कलरफुल, वो देख वो आ गई टाइगर, टाइगर वाली शक्ल की। मेनू देखो आपके पास आ गई बिल्कुल, ये रही ये रही ऑरेंज वाली। ये बहुत ही स्कैरी फिश है, ये जो जा रही है अभी बिल्कुल पास से गई है ये वाली, ये देखो। चीनू इधर की तरफ चलते हैं ना, चलो। अच्छा है काफी, बहुत इंटरेस्टिंग फिशेज ये वो आगे दिखाती हूँ मैं। ओ मैडम फिश उछल के आ जाएगी बाहर, जल्दी आ जाओ। ये देखो यहाँ से पानी गिर रहा है, ये ऊपर से पानी गिर रहा है। ये बैट रे टच फूल, इसमें क्या टच करना होता है हमें? ओ हम इनको टच भी कर सकते हैं, माय गॉड इनको टच भी कर सकते हैं, बट मुझे तो डर लग रहा है भाई। वैसे ये टच फूल है, टच कर सकते हैं। कोस्टल वेटलैंड टू सैंडी शोर, यहाँ पे क्या है? चलो यहाँ पे पानी आ रहा है एकदम से बहुत सारा, अभी आएगा। ये आया इतना सारा पानी। चलो बहनू बाहर चल रहे हम, बाहर आ जाओ। ये देखो थोड़ा दूर ही रहती हूँ, कहीं मेरा फोन वोन ना गिर जाए भाई, मुझे तो डर लग रहा है। So now we are going up. पलटियां मार रहे हैं, ये देखो पलटियां मार रहे हैं पीछे से आ रहे हैं। ये देखो अभी आई, ये देखो जायंट फिश स्ट्रक्चर, वाओ। ये नीचे का एरिया है, वहाँ पे एक कैफे है, अभी हम ऊपर वाले एरिया में आए हैं। ये है एक्वेरियम स्टोर, यहाँ पे भी कुछ मिल रहा है। अब हम जा रहे हैं उधर से और ऊपर, ओशन डिस्कवरी स्टोर। ओ वाओ
यहाँ पे तो सॉफ्ट टॉयज है। ये अब हम आ गए हैं द ओपन सी में। वाओ लुक एट दिस, ऊपर फिशेस इतनी सारी। ये देखो, ये इसको तो सारी फिशेस टच करनी है। ये कितनी खतरनाक, टच मत कर, सारे जम्स लग जाएंगे आपको। बेनू 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 रिलैक्स बेबी, यहाँ पूरा अंधेरा अंधेरा है। ओ ये देखो, दिस इज मून जेली। एंड गाइस यहाँ पे तो बहुत ही सारी हैं, ये देखो। लुक एट द क्लोजर लुक, वाह। बेनाइशा कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गई है। इसका बस चले तो ये फिशेस को बाहर ही निकाल ले। ये क्या कर रही है बेबी? वाओ, अरे बटन मत दबाओ, कमाल है। ये देखो, मत करो बेनू। तो गाइस यहाँ पे ये प्रोग्राम एक स्टार्ट होने वाला है जिसमें ये फिश को फीड करेंगे। ये कितने लोग बैठे हुए हैं ये खाना देने के लिए, ये देख रहे हो। बस ये ओपन, ये जो भी है द ओपन सी फीडिंग प्रोग्राम शुरू होने वाला है। I'm a naturalist here at the aquarium, and you are all here at the right place and at the right time. Because starting in just a few moments, members of our animal care team will begin feeding the incredible animals we have right here in the open sea exhibit. And before we get started, I have one more quick reminder, folks. Don't forget, we are a flash-free facility, so don't forget to turn off that flash feature on all of your picture-taking devices. तो इनका खाना डालना स्टार्ट कर दिया है, वो देखो ये खा रही है ये फिश को। कितनी सारी निकल के आ जाएंगी अब। Now let's talk a little bit more about those dolphin fish. These are those large, silvery, slender fish with that sail-like fin hanging out near the top of the exhibit. If you're wondering how you can tell the difference between a male and a female dolphin fish, the males really have a much larger forehead. Go ahead and take a look at that. And as you are watching these animals, you might have noticed it looks like they're changing color. And this is not a trick of the light. Dolphin fish do have chromatophores, which are color changing cells, and they have been observed showing off some brilliant colors. Kuch fishes change kar rahe color, even gold. Scientists have observed this behavior when they are hunting, breeding, or sometimes when they are caught by fishermen. And earlier my friend Alberto did call them mahi mahi. That is one of the names that these animals go by. In fact, it is currently thought by scientists for these animals to feed on those fish pellets, they will swim right through these clouds of food with their mouths wide open. These cool built-in posture strainers on the sides of their head, these are gill rakers, and that will trap the food and allow the seawater to flow right on through. And this incredible schooling behavior we're watching right now is a part of their defense strategy. Because in the open sea, there really is nothing to hide behind. What are these things? Those are birds. Why are birds underwater? That's crazy. They're bird fish.
ये बच्चों का एरिया है शायद, यहाँ पे अलग अलग टाइप की गेम्स भी है। नेस्टिंग अनी डैंडो, यहाँ ये छोटे छोटे बच्चे गेम्स खेल रहे हैं। फीड योर हंग्री चिक, ये बन गई पेंगुइन। और यहाँ से सी दिख रहा है। बेनू कैसा लग रहा है आपको? अरे अरे, ये मम्मी पापड़ी, चीनू कुछ पापड़ी के लिए लेने गए कुछ मीठा, क्योंकि उन्हें एनर्जी लो फील हो रही थी। तब तक हम यहाँ बैठे हैं, ये किड्स एरिया है। ये आ गया, ये चीनू, ये कुछ लेकर आया। इसको दे दो बनाइशा को। क्या लाया? अच्छा ये लाया, ये ब्लूबेरी मफिन है ये तो भाई। पापा जी को सडनली एनर्जी लो हो गई थी और पैर में एकदम से चपक चलने लग गई थी। ये देखो, ये मैडम चलने को रेडी ने, अब हम लंच करने जा रहे हैं। कमन 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 बहनू प्लीज देख, फिर हमें आगे भी जाना है। बेबी बेबी बस अब आई गेस हम जा रहे हैं। आई थिंक वी आर हेडिंग फॉर लंच नाउ, क्योंकि अभी हमें आगे बिग सर भी जाना है तो टाइम सेव करना है, सो दैट हम टाइमली शाम को 5 बजे तक वापस आ जाए।